अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी सेहतमंद होंगे। काफ़ी दिन से मैं फारिग था, मैंने कहा यार कोई वीडियो बनाई जाए, बहुत दिन से कुछ शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा टॉपिक क्या सिलेक्ट किया जाए, पाकिस्तान सियासत नो, कोविड नो, तो मैंने कहा यार टॉपिक सिलेक्ट करते हैं ये ICC मैच T20 वर्ल्ड कप। तुम कहाँ आ गए भाई? ये हमारी लियो चो, तो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया ICC मैच T20 वर्ल्ड कप। अच्छा बेटा चले जाओ यहाँ से, वीडियो बढ़ रही है, देख रहे ना यार, कट नहीं कर रहा क्योंकि पार्ट है वीडियो का, ठीक है। तो उस पर हम वीडियो बनाता रहूंगा, अभी कुछ दिनों और बनाऊंगा इस पर, जो भी चलेगा वर्ल्ड कप अगले महीने से शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप, तो इस पर हम बात करेंगे टीमों के बारे में, मैचेस के बारे में सब कुछ करेंगे। और अभी आपको एक और बात बताऊं कि ये फिर से आएगा, दर्द नहीं आया, ठीक है। तो अब T20 वर्ल्ड कप के बारे में ज़रा डिस्कस कर लें। T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था, पहला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। इस मैच के बारे में हम बात नहीं कर सकते, मिसबाह नहीं कर सकते बाद इस मैच के बारे में। उसके बाद हमने बदला लिया T20 वर्ल्ड कप का और हम जीते फाइनल में इंग्लैंड में, हमने श्रीलंका को हराया। शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, आमिर सबकी टीम के साथ, यूनुस खान द कैंप कैप्टन के साथ हमने जीते इस वर्ल्ड कप को। अगला वर्ल्ड कप 2010 में इंग्लैंड ने हराया ऑस्ट्रेलिया को, इस मैच में हम सेमीफाइनल में इतने से मार्जिन से हार गए। आपको याद होगा हस्की ने जो छक्के लगाए थे, सैयद अजमल को निकल गया हमारे हाथ से, मैं मुन्ना कब्जे में था हमारा ये वर्ल्ड कप भी, 12 बैटर। फिर श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को हराया फोर्थ वर्ल्ड कप में, सॉरी वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को हराया फोर्थ वर्ल्ड कप में, इसमें श्रीलंका का वेस्टइंडीज ने अच्छा खेला था, शायद याद नहीं क्या हुआ था, याद नहीं आ रहा। इस वाले मैच में बांग्लादेश में हुआ था वर्ल्ड कप, श्रीलंका ने हराया था इंडिया को, जिसमें इंडिया आखिरी ओवर में स्कोर नहीं बना पाया था, पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स थी या क्या थी, धोनी और युवराज सिंह को नहीं बना पाए थे, तो चेस करने में श्रीलंका ने आराम में चेस कर लिया, इंडिया को हराया। फिर आखिरी वर्ल्ड कप जो हुआ था 16 में इंडिया में हुआ था, उसमें वेस्टइंडीज ने हराया था इंग्लैंड को। ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, 4 छक्के 4 बॉल होते हैं आपको याद होता, तो ये आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था। तो 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड श्रीलंका एक ही वर्ल्ड कप जीता है, वेस्टइंडीज काले 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और फिर 18 में होना था वर्ल्ड कप, वो हुआ नहीं, फिर 20 में वो कैंसिल हो गया, 20 में वर्ल्ड कप होना था वो पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से, वो मूव हो गया इंडिया में, फिर वो इंडिया का वर्ल्ड कप हो गया, फिर वो इंडिया से वेन्यू मूव होके वो चला गया आपका ओमान और यूएई में। तो अभी ओमान और यूएई में वर्ल्ड कप होने वाला है इस महीने अगले महीने से, और अगला वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। टीमें जो हैं वो ये टीमें हैं, आयरलैंड ग्रुप ए में, आयरलैंड श्रीलंका नामीबिया नीदरलैंड, ग्रुप बी में बांग्लादेश स्कॉटलैंड ओमान और पप्पा न्यूगिनी की टीम है। अब बड़ी टीमें किधर हैं भाई? तो ये जो है वो क्वालिफाइड टीम है, ये वो टीमें हैं जो टॉप 8 के बाद आती हैं, 9th रैंक से डाउन टीमें हैं, ये क्वालिफाई करके आई हैं इधर, ये आपस में खेलेंगी, फिर ये असल जो ग्रुप बने हैं उनमें ये ज्वाइन करेंगे। तो ग्रुप 1 में ये मेन वर्ल्ड कप है, ये समझो ये गली वाला वर्ल्ड कप है, बच्चों वाला वर्ल्ड कप है। तो मेन वर्ल्ड कप में ग्रुप 1 में आपका वेस्टइंडीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका होंगे, और क्वालिफायर यहाँ से जाएंगे, इनमें से एक जाएगा, इनमें से एक जाएगा। ग्रुप 2 में जरा ग्रुप 2 देखें, जरा पाकिस्तान और इंडिया, साथ में न्यूजीलैंड, फिर अफगानिस्तान। अब मुझे लगता ये है कि इसमें शायद बांग्लादेश भी इधर आ जाए, मतलब फुल जंग का माहौल, मतलब इंडिया के साथ तो मैच आउट क्लास होता ही है, फिर उसके बाद अब न्यूजीलैंड से मैच वो ज्यादा लोगों की नजर में है, उसमें क्या होगा, फिर अफगानिस्तान। इस ग्रुप का क्या होने वाला है ये तो देख वक्त आएगा तो मालूम होगा। एक्साइटिंग मैच होंगे, सब लोग आपस में खेलेंगे, मैच शुरू होने वाले हैं, क्वालिफाइंग मैच ये शुरू हो रहे हैं 17 तारीख से लेके 22 अक्टूबर तक, फिर 23 तारीख से असर वर्ल्ड कप शुरू होगा, ये इन टीमों वाला वर्ल्ड कप शुरू होगा 23 तारीख से, और सेमीफाइनल होगा 10 नवंबर को बुध को, 11 नवंबर को थर्सडे को दूसरा सेमीफाइनल में, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाले हैं। और जुमे और संडे को फाइनल होगा 14 नवंबर को। ये सारे मैच यूएई में होंगे और ओमान में।
दो मुल्कों में ये मैचेस होंगे सर। टीम हमारी अनाउंस है, हम डिस्कस करेंगे जो अभी टीम अनाउंस हो चुकी है आफ्टर ऑल द चेंजेस। तो ये हमारे कप्तान हैं, नंबर वन टॉप क्लास बैट्समैन, बेस्ट ओपनर, बेस्ट बैट्समैन। कप्तानी में थोड़े वीक हैं मगर सीख जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत उम्मीदें हैं इनसे भी इस वर्ल्ड कप के बारे में। तो बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब हमारे वाइस कैप्टन हैं। आसिफ अली के बारे में बोलना मना है क्योंकि फिर भी बोलूंगा मैं, पता नहीं क्यों रखा है इसको टीम। फखर सलमान लेफ्टी है, सिलेक्ट हुआ दोबारा से, अच्छा प्लेयर है, स्कोर करेगा। हैदर अली ने बहुत स्कोर किया है, अभी नेशनल टी20 में चांसेस हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी स्कोर करें। हारिस रऊफ की स्पीड है मगर इधर मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है, कुछ पोर्शन मिसिंग है क्योंकि तेज़ बॉल करते हैं, पहली बार में छक्का पड़ गया था पूरा ओवर की ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो इनको कुछ करना पड़ेगा अपने मैचेस में। असद अली जनरेटर टिंग क्या करता है पता नहीं, वो स्टाइल मारता है जनरेटर, मैं मारूंगा सर कमरी मेरी बैठ जाए। ये रन बनाएगा, स्कोर भी करेगा ये और ये विकेट भी लेगा। इमाद वसीम है टीम में, लेफ्ट हैंड स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कराची किंग्स से कैप्टन ARY के, तो चांसेस हैं कि ये भी अच्छा खेलेंगे। हफीज साहब हमारे हफीज साहब, प्रोफेसर साहब प्लीज़ हम ना आपको खिला रहे, कुछ करके जाएँ, आखिरी वर्ल्ड कप होगा आपका, कुछ करके जाएँ इसमें टीम के खिलाफ, अब तो जितवाने इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं। नवाज स्पिनर है, नो कमेंट्स। रिजवान बहुत ही अच्छे विकेट कीपर, बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकी पिछले एक साल चल रहा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है इनसे अच्छा स्कोर करने की। वसीम डूनिया गुड बॉलर, चांस मिलेगा खेलने का। सरफराज अहमद कीपर है जो कि अच्छे टीम से बाहर चले गए थे, T20 में अच्छा स्कोर किया, वापस आ गए टीम में। शाहिन शाह अफरीदी आजकल के दौर के हमारे वसीम अकरम आप कह सकते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, विकेट लेने का बहुत शौक है इनको और ये लेंगे विकेट इंशाल्लाह। और लेटेस्ट एडिशन है शुएब मलिक की। रिजर्व में खुशदिल हैं, धानी हैं और उस्मान कादिर हैं, जिसमें अब्दुल कादिर का बेटा है ये। तो ये हमारी टीम है, इसमें मेरे हिसाब से शर्जील मिसिंग है, एक आध रखना चाहिए था वहाँ पे बंदा जो कि तुक्का प्लेयर हो, कभी लग गया तो सौ कर लिया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा सबका कभी लगता है कभी। तो बाकी टीम अच्छी है, शुएब मलिक भी अच्छा उन्होंने डाल दिया टीम में। शुएब मलिक सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे सीनियर प्लेयर हैं। प्लस शुएब मलिक 1999 में डेब्यू किया था, उस वक्त ये प्लेयर टीम में थे ही नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे या 81 साल के थे। अफरीदी, हसन, हैदर, वसीम और धानी ये पैदा भी नहीं हुए जब भाई साहब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्लीज़ शुएब मलिक साहब, अगर आपके पर मेरी बात पहुंच जाए, प्लीज़ इतना एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट इंडिया से तो जीत जाओ यार। प्लेइंग 11 मेरी प्लेइंग 11 मेरी ख्वाहिश के हिसाब से मैंने ये रखी है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान, फखर, हफीज़, मलिक, हैदर, इमाद, शादाब, हसन, वसीम और अफरीदी। मैंने 4 लोगों को हटा दिया टीम से फिलहाल, मैं रोहित को नहीं खिला रहा अभी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वसीम थोड़ा स्कोर करें। नमाज को मैं तब खिलाऊंगा अगर इमाद वसीम अच्छा नहीं खेला तो। सरफराज अहमद का स्कोरिंग अच्छा है मगर टीम में फिलहाल अभी जगह नहीं है क्योंकि रजवान अच्छी कीपिंग और बैटिंग कर रहा है। आसिफ अली तो मैं नहीं खिला रहा उसको, मेरी मर्जी। टैक्टिक ये रखनी चाहिए कि रिजवान, फखर, बाबर शुरू के 6 ओवर में टका के मारे, कैच विकेट गिरता है फिर भी मारे 6 ओवर तक, 6 ओवर में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैच जो आप चेस कर रहे हो या पहले बैटिंग कर रहे हो, आपने 6 ओवर में अच्छा स्कोर करना जरूरी है। फिर विकेट गिर जाती है तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास हफीज़ और मलिक हैं जो कि यकीनन आपको मिडिल ऑर्डर में सेफ्टी देंगे। फिर थोड़ा वो गुजरने के बाद आखिर में आपने लगा देना अपने हैदर को, इमाद को, शादाब को, हसन को, मारा छक्के 20 ओवर का मैच है, इंशाल्लाह ऑल आउट नहीं होंगे। ये हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बैटिंग की। बॉलिंग के लिए हमारे पास पांच बॉलर्स हैं, शाहीन, वसीम, हसन, शादाब, इमाद, हफीज, इन्होंने ही 20 ओवर करानी है। फिलहाल ये टीम मैं समझता हूँ होनी चाहिए हमारी, ये 4 रिजर्व रखेंगे, इनको जब जरूरत पड़ेगी तब इन्हें के डाल देंगे कोई इंजरी में या कुछ में। मेनली यही प्लेयर हमारे खेलेंगे मेरे हिसाब से, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी एक आध को, हारिस रऊफ को और वसीम को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इमाद को नमाज से एक्सचेंज कर सकते हैं, सरफराज अहमद को भी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर बैटिंग में फ्लॉप हो रहा हो ज़्यादा, आसिफ अली को पानी पिलाएंगे उससे कुछ नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम पाकिस्तान और होपफुली पाकिस्तान के शाहीनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, होपफुली के सारा अच्छा हो। तो यही बस बताना था आपसे, अभी मैचेस होते रहेंगे उस पर भी हम बात करेंगे,
बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी अब आप लोग आएँ, ज्वाइन करें, मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा इसमें, उसमें भी आप ज्वाइन करें। उसमें भी हम मैच के बारे में गपशप करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम उसमें शेयर करते हैं बातें, ओपिनियंस, राइज, टीम सेलेक्ट करते हैं हम। उसमें भी आप आएँ, शेयर करें अपने थॉट्स, और फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।